तो देखो प्यारे बच्चों, अगर इस वाले क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन नहीं हुआ है, पी अपॉन टू एल एफ अपॉन एम वन बाई टू है। तो पी का था नंबर ऑफ सेगमेंट है, और एल जो है स्ट्रिंग है, और यहाँ एफ जो है वो फोर्स है। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एम, तो अगर मुझे एम का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो सबसे पहले मैं इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करता हूँ। तो रीअरेंज करने के बाद ये न्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर एल का स्क्वायर यहाँ से, और एफ अपॉन एम आ जाएगा। तो एम का यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा वो पी स्क्वायर एफ अपॉन फोर एल स्क्वायर अपॉन न्यू का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी जो है नंबर ऑफ सेगमेंट है, तो नंबर ऑफ सेगमेंट है तो डायमेंशनल लेस है, और एफ जो है वो फोर्स है, तो फोर्स का आ जाएगा एम एल टी माइनस टू आ जाएगा, और ये डायमेंशनल पी डायमेंशनल लेस है। पी का डायमेंशनल फार्मूला एम नॉट एल नॉट टी नॉट है, प्योर नंबर है, और एल लेंथ है, तो एल का डायमेंशनल न्यू फ्रीक्वेंसी है वन अपॉन टाइम पीरियड माइनस टी। तो यहाँ से एल का स्क्वायर और टी की पावर माइनस टू, तो इसका मतलब ये हुआ कि टी की पावर माइनस टू ने माइनस टू को ख़त्म कर दिया, तो ये आ जाएगा एम और एल की पावर माइनस वन के, ठीक है। तो ये आ जाएगा, जब इसको जोड़ोगे एल की पावर टू है तो ये माइनस वन, तो एम का डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा एम एल की पावर माइनस वन टी नॉट, दैट इज ये सी ऑप्शन सही है, बाकी सारे गलत है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।